राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 21 मार्च को जो राजस्थान के 10वीं बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का पेपर होने वाला है, उस पेपर में किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उस परीक्षा के लिए आज हम आपके लिए एक रियल पेपर लेकर आए जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं वो आज के इस प्रश्न पत्र से आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के मेन पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखना है, आप सारे के सारे प्रश्न हम आपको बता देते हैं, आप उन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्ज़ाम में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, देखिए माध्यमिक परीक्षा 2023 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 हिंदी का ये पेपर है और 3 घंटा और 15 मिनट का आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा। परीक्षार्थी के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, उसके बाद हम पेपर शुरू करते हैं। जैसे ही पेपर की शुरुआत होगी उसके खंड में आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक गद्यांश पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर इस गद्यांश से ढूंढ कर लिखने हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पर क ख ग घ ये आपको दो दो नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर आपको इस गद्यांश से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें आपको इसके आंसर है वो मिल जाएंगे। ये गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है तो आपकी बोर्ड की परीक्षा के पेपर में आपको ये गद्यांश देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आपके जो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई देगा वो आएगा काव्यांश, यानी कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। एक पद्यांश यानी काव्यांश आपको पूछा जाएगा जिसे ध्यान से पढ़ना है, अपनी भाषा में सरल करना है, उसके बाद जो नीचे क ख ग घ जो प्रश्न दिए गए इन चारों प्रश्नों के आंसर आपको इसी गद्यांश इसी काव्यांश में मिलेंगे। तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। ठीक, ये वाला गद्यांश और इसी के अथवा में एक और गद्यांश पूछा गया है, जो दोनों में से आपको जो उचित लगे जो सरल लगे वो आप गद्यांश कर सकते हैं। फिर आपके खंड ख आता है जिसमें आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में, तो आप लिख सकते हैं निबंध आपका जो होगा वो राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, जिसमें आपको पॉइंट भी दिए गए, तो इस पॉइंट के आधार पर आप अपना निबंध है वो लिख सकते हैं। इसके बाद ख दूसरा निबंध पूछा है युवा वर्ग में असंतोष कारण और निराकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आदर्श विद्यार्थी का जीवन, ये भी आपके निबंध इम्पोर्टेंट है। फिर आता है बढ़ती महंगाई एक ज्वलंतन समस्या, महंगाई बढ़ती है तो क्या महंगाई बढ़ने की समस्या होती है उसके बारे में इस निबंध में आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न पूछा है कि स्वयं को जूनागढ़ का एक निवासी जितेंद्र मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम एक पेट की कीड़ा की बीमारियों से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रयास उल्लेख हो। तो आपको एक तो पत्र लिखना है, ये चौथा जो प्रश्न है ये पत्र का है, तो पत्र आप आसानी से लिख सकते हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न है, इसके अथवा में है कि को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है, तो पत्र ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट आपको जो 5वां प्रश्न है ये व्याकरणात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे, जिसमें 5वें में क वाला प्रश्न है कि विष्णु कांता भजन सुन रही है, वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है उसकी आपको परिभाषा बतानी है, तो बिल्कुल क्रिया की पहचान करके उसकी आपको बतानी है। फिर है मोहन कहता है कि मैं श्याम की पुस्तक पढ़ूंगा, रेखांकित पदों के पद परिचय के दो दो बिंदु लिखने हैं, यानी कि मोहन रेखांकित किया गया और पुस्तक के रेखांकित है अंडरलाइन है, तो उसके परिचय के दो दो आप बिंदु लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखनी है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। फिर ग वाला प्रश्न है कि मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ बताना है और सूर समर करनी कर ही लोकोक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो ये भी सारे इम्पोर्टेंट। फिर प्रश्न है कि गुर चोटी जियो पागी में कौन सा अलंकार है, प्रयुक्त अलंकार की आपको परिभाषा बतानी है, यानी कि इसकी पहचान करनी है कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है और इसकी पहचान करके उस अलंकार की परिभाषा लिखनी है। फिर आपके खंड ग आता है जिसमें आपको एक पद्यांश के
प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको एक पद्यांश पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। दो प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न दो दो नंबर का। अगर ऊपर वाला सही न लगे तो दूसरा जो अथवा में है वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको किताब के कुछ प्रश्न दिए गए। यहाँ पर सातवां प्रश्न है, निम्न किन्हीं तीन के उत्तर आपको देने, 40 शब्द में आपको उत्तर देने। प्रश्न चार पूछे गए, इसमें आपको तीन प्रश्न करने। पहला क में पूछा है कि मन ही मन की माज रही, गोपियों के मन की इच्छा उनके मन में ही क्यों रह गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख है कि लक्ष्मण और परशुराम को मारने पर पाप को अपयश की संभावना क्यों थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग है कि श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आपको जो भी आपको सही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हैं, तीन प्रश्न आपको करने। फिर जो आठवां प्रश्न है, इसमें आपको एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरा, मेरी भोली आत्मा कथा अभी समय भी नहीं थकी, सोए ये मेरी मौन व्यवस्था। तो ये आपको एक पद्यांश पूछा है जिसका आंसर आप लिख सकते हैं, मतलब प्रश्न दिए गए आपको यहाँ पर प्रश्नों के आंसर इसी पद्यांश से ढूंढ कर लिखने। जो आपको उचित लगे वो पद्यांश करें, इसके अथवा में भी दिया है तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। फिर जो नवा प्रश्न है, ये आपको गद्यांश वाला प्रश्न पूछा गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं तो आप इसके भी उत्तर दे सकते हैं। दो गद्यांश से अथवा में भी पूछा है तो जो भी आपको उचित लगे उस गद्यांश का आप उत्तर दे सकते हैं। फिर दसवां जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें 40 शब्द में आपको उत्तर देने। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है, जिसमें क वाला प्रश्न है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता जा सकता है। ख है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खा की काशी को क्या देन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा का प्रचलन था, इस संबंध में लेखक द्वारा दिए गए दो प्रमाणों को लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है, फादर के मुख से निकलने वाले शब्द जादू का काम करते थे, कैसे करते थे उसके बारे में बताना है। फिर ग्यारहवा जो प्रश्न पूछा है, ग्यारहवा प्रश्न है कि ग्यारहवें में प्रश्न पूछे गए आपको, कह है कि मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 40 शब्द में इसका उत्तर देना है। फिर ख वाला प्रश्न है, कबीर पंत मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर इसका आंसर आपको बताना है। फिर खंड ख आता है जिसमें बारहवा प्रश्न है, बच्चे बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है, माता का अंचल पाठ के आधार पर कथन को स्पष्ट करना, 80 शब्द में उत्तर देना, ये आपके चार नंबर का। अगर ये ना करो तो इसके अथवा में भी है, मेरे लिए ये यात्रा समूच की खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, 80 वर्ड में इसका आंसर देना है आपको। तेरहवा प्रश्न है, इसमें आपको तीन प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि गौरे सैनिकों ने टूत्रु को अस्पताल जाने की बात क्यों कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख वाला है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, मणि के प्रकृति की जल व्यवस्था के संबंध में यह क्यों कहा है। ग है कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और लाट की नाक चली गई, लेखक का ये कथन सरकारी तंत्र की किस कमजोरी का व्यंग करता है। माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषताओं का पता चलता है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपका ये संपूर्ण पेपर समाप्त होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है जो हमने आपको पूरा प्रश्न पत्र बताया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके 21 मार्च को जो आपके हिंदी का पेपर होने वाला है 10th के लिए, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इस पेपर को जरूर तैयार करें, एक बार जरूर देख कर जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस पेपर को देखने के बाद। ये आपके 10th क्लास का पूरा पेपर था जो हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ऐसी सारी नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।